One, two, three, four. Hello, hello, one, two, one, two. Mic check, one, two, one, two, one, two. क्या दोस्तों, जरा नवाजी हाजरीन, एक शेर नजर करना चाहूंगा आपकी खड़काओ नजर में खड़काओ। वाह क्या बात है, क्या तुम तो ठहरे परदेसी के साथ क्या निभाओगे। पहली बार सुना है क्या, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। पंडाल में नहीं है बाथरूम लगी तो करने कहां जाओगे। ताले के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुंह पे थूक कौन फेंक रही है, ये लग रहा है। वाह वाह वाह, हो जाती है जिनको देख के, हो जाती है जिनको देख के दिल और आंखों की दावत। वेलकम मल्लिका शरावत। विकी जड्डा स्वागत मैं बहुत पहले कर चुका हूँ, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। स्वागत कोई डिलीवरी है, दो बार नहीं कर सकते। कर दिया कोई बात नहीं, प्रॉब्लम क्या है। यहाँ ऑलरेडी काम चल रहा है, चलो आगे बढ़ो। चलो काम चल रहा है, आगे बढ़ो। ये आगे बढ़ो वाला एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगता है जिंदगी में। आगे बढ़ो या यही प्रेरित करती है बात। और जहाँ तक काम का सवाल है, काम चलता रहना चाहिए दोस्तों। लेकिन मुझे अच्छा लगता है दूसरे लोग काम करें और मैं सिर्फ पैसे गिनूं। क्यों ऐसा काम करना चाहते हो कि दूसरे लोग काम करें और पैसे तुम्हें आए। जी सुलभ शौचालय खोल लो अपना। देखिए दोस्तों, मल्लिका जी काम कोई भी बुरा नहीं होता, बस स्मेल बुरी होती है। शी ओके, इट्स अ वेरी नाइस प्लेजर टू स्टेप ऑन स्टेप। वेल मैं आपके पास एक रीजन से आया था। हमारा एक संस्थान है फाइव स्टार ऑर्केस्ट्रा का, जिसके अंदर हम जो फेमस हीरोइंस होते हैं उनको गिफ्ट वगैरह कुछ देते हैं। इफ यू अलाउ मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ, आपकी काइंड परमिशन से। ऑफ कोर्स के लिए जरूरत तालियां दोस्तों। दर्शना गिफ्ट लेके आओ भाई। दर्शना कौन है? माय वाइफ। दर्शना आ जाओ। आपके लिए क्या है? सिलाई मशीन का कवर। अभी यही अफोर्ड कर सकते थे, आपके लिए रखिए प्लीज। अरे कोई बात नहीं, मुझे सिलाई नहीं आती। अरे आ जाएगी सिलाई कढ़ाई बुनाई सब आप सीख लेंगे। कवर रखी है, माता रानी कृपा हुई, प्रोग्राम और बुक हो गए तो सिलाई मशीन भी दे देंगे। हार पहनाइए प्लीज, लेडीज के हाथों से हार हार पहना दीजिए प्लीज। या शॉल दीजिए, हार पहना दीजिए। दर्शना का ब्यूटी पार्लर है, बहुत अच्छा। मुझे हार क्यों बना रहे हैं? शॉल से आपको सम्मानित करना चाहेंगे। शॉल मैडम जोरदार तालियां। फाइव स्टार ऑर्केस्ट्रा के फर्स्ट पर्सन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेल हाजमे के लिए अच्छी होती है मूली। एक मिनट क्या था, बहुत दूर गिरा है। हेलो हेलो। ओह कपड़े में गुलाब जामुन दिया था किसी ने। ये किसने कपड़े में लपेट के गुलाब जामुन फेंका है? नेक्स्ट टाइम पीने का तो प्लेट में दे। कलाकार लोग का इज्जत नहीं है क्या आप लोग को? इतने बड़े कलाकार हैं चड्डा साहब। मेरे ऊपर नहीं फेंका, तेरे ऊपर फेंका मोटे। मैं भी कोई ऐसी वैसी कलाकार नहीं है, जूली है मैं। जूली ए जूली है वो तो पूरी जुलाई है, वो भी 35 दिन वाली। तो होएगी ना, इनमें 35-40 शोज कर दिए मैं। तो वैसे भी अपने मेहनत का खाती है, किसी आगे हाथ नहीं फैलाती। तो फैलाने की जरूरत क्या, खुद इतना फैली हुई तू। है बात तो है। अभी गुस्सा मत करो, बाद में बताना। अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है मेरे डार्लिंग, कोई टेंशन मत लो। ओके एक बात बता मुझे, मैं यहाँ पे पहुंच गया, तू नागिन बनी थी, साथ आना चाहिए, कहाँ रह गई तू? रास्ते में किसी ने मेरे को एक कटोरी दूध दिया था पीने के लिए, वो पीने के लिए रुक गई। एक तो पहले नागिन बनी हुई, ऊपर से रास्ते में दूध पीने रुक जाएगी, एनाकोंडा बन जाएगी तू किस दिन। जट साहब मल्लिका जी अभी आप बताइए ना, आपके लिए हम लोग क्या पेश करें, मतलब क्या आपके लिए सामने, मतलब खिदमत में क्या पेश कर सकते हैं?
आपका नागिन डांस मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा था, बहुत अट्रैक्टिव था, कुछ और पेश था। वो तो पेश कर दिया, वो हो गया ना। और क्या पेश कर सकते, पनीर टिक्का तंगड़ी के बाद दो बिरयानी पेश। भाग जा से, एक मिनट। आज तक हमसे किसी ने इस तरह इज्जत से बात नहीं की। आप प्लीज चड्डा साहब, भाई परसों के शो में वो पड़पड़गंज में वहां पे इतना धक्के मार मार के, जूते मार मार के निकाला था हमको। चलो रात गए बात गई, बिजनेस की बात करते हैं। ओके मलगा, एक 31st का न्यू ईयर का प्रोग्राम है, आपको बुकिंग करनी है, बताइए। तुम्हारा जो शो करते हो तुम, वो मल्लिका के लेवल के नहीं है। पैसे कितने देते हो तुम्हारे शो में? पैसा तो ऐसा डिपेंड करता है कलाकार टू कलाकार, मतलब आप जैसे, मतलब इतनी बड़ी कलाकार है आपको उतना नहीं मिलेगा। बड़े कलाकार को तो ज्यादा मिलता है ना, छोटे कलाकार को कम मिलता है। नहीं नहीं, हम लोग के लिए क्या इजी रहता है ना, जैसे वो लोग क्या ऐसे हवा में पैसा फेंकते, तो मैं ऐसा कूद के पकड़ लेती हूँ। वो सब नहीं करेंगे ना, पर फिर ऐसे मुंह में ऐसे पकड़ के ऐसे पैसे देते तो मैं उधर से खींच लेती हूँ। लेकिन ऐसा जमीन पे ऐसे पैसा वैसा पड़ा होता है तो झुक के मैं धीरे धीरे उठाती हूँ ना, तो 3-4 हज़ार मिल जाते हैं। वो थोड़ा शराबी लोग के पैर के नीचे हाथ आता है, कभी कभी चले गए तो मल्लम लगा के हो जाते हैं। लेकिन मलगा मैं आपको बता दूं, पैसे कमाने से मुंह से पैसे निकालने की टेक्निक होती है। पार्टी है ना, क्या मुंह में पैसा ऐसा नोट डाल के डांस करते हैं ऐसे करें, ठीक है? तो आप उसमें निकालने की कोशिश करते हो, कई बार क्या होता है निकालने के चक्कर में नोट फट जाता है, 50 का नोट है, 5 उसके मुंह में रह जाता है, आपके हाथ में आता है 0। इसका एक तरीका होता है, आप 50 का नोट निकालना, कुछ नहीं करना, पार्टी ऐसे डांस कर रही है, डांस कर रही है, आप अपना हाथ यहाँ पे ले जाए उसके गले पे ऐसे दबा दे, ATM की तरह नोट बाहर आ जाता है, ट्रांसफर टेंशन नहीं होती। क्यों चेक एक खिदमत शेर पेशा आपके नजर, शीशी भरे गुलाब की ठोको, शीशी भरे गुलाब की अभी ठोक दे तो टूट जाएगी। शीशी कैंचुआ से भरी होगी तो ठोक देंगे। ये गुलाब क्या जी दोस्तों, शीशी भरे गुलाब की नई नई ली है। अच्छा गुलाब की नई नई ली है, शावा शावा, पत्थर से टूटेगी नहीं क्योंकि इस बार प्लास्टिक की ली है। आदिन, मेहरबान करदान साबान करदान, म्यूजिक जगत की आलमान शान विशाल शेखर को पेश करेंगी जेलस चोले एक पान। एक सेकंड भाई साहब, पान क्यों दे रहे हैं आप? पान तो ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर जो सुपारी है वो इंपॉर्टेंट है। मत खाइएगा सर, ये उनका पता नहीं कब के पुराने पान रखे हो। प्रोग्राम बुक हो गया। और सच कहो तो प्लीज मुझे माफी चाहूंगा, मुझे अभी तक कंफ्यूजन जो है बना हुआ है कि कौन विशाल है कौन शेखर, मेरे को अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, गाल के राइट साइड पे एक मार्क बनाता हूँ, जिसके मार्क बनाऊंगा तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, राइट? गाल पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, टांट वाला ही देख दूं। ये मैंने मार्क बना दिया, जा देखिए। अबे ये तो तुमने अपने गाल पे बना दिया ना, समझे नहीं आप? मेरे निशान के इस तरफ जो खड़े हुए हैं वो विशाल है, और जो इस तरफ खड़े हुए हैं वो शेखर हो गए। क्या बात है, वाह। सर जब दोनों एक तरफ खड़े हुए हैं तो एक गुल्लक जैसा मुंह तोड़ूंगा इसका, मैं बता रहा हूँ, लेके जाओ यहाँ से बाहर। ओ मिस्टर, यहाँ पर आप इनका मुंह नहीं तोड़ सकते। क्यों? पहले आप इनके शो का टिकट खरीदिए, वहां पर आइए, फिर वहां पे जो तोड़ना है तोड़िए। ऑन स्टेज में जो मजा है वो ऐसे बैक स्टेज में मजा नहीं आता, वहां आके तोड़िए। लेकिन मुंह तो मेरा टूट रहा है ना। हाँ। इसमें मेरी प्रेज हुई कि मेरे टांग खींच रही है, तुमको समझ नहीं आ रहा? ये तो प्रेज हुई ना सर। ओके, शो के टिकट की बात आई है तो शो में हम लोग जो है नॉर्मली 3K ले लेते हैं, 3000 वगैरह, के आजकल के चलता है। थ्री के हमारे पेमेंट रहती है, तो बड़ा काम होता है। आप लोग कितने 100 ले लेंगे उसमें से बताइए? अभी तेरा दिमाग खराब हो गया, लाखों में पेमेंट लेते हैं वो। हमारे जो 3000 होते हैं वो गिनने में हमें 2 घंटे लगते हैं। रोज शो कीजिए, रोज प्रोग्राम मिलेगा, और बर्थडे पार्टी वगैरह में केक फ्री रहता है। तो करना पड़ेगा।
आप कोल्ड ड्रिंक कितनी मर्जी पी लो कोई नहीं पूछता जी। ऑरेंज पी लो मुंह लाल हो जाएगा फिर भी कोई नहीं कहता क्यों पिया जी। इतना आराम रहता है, टॉप क्लास थिंग जी। बड़े पार्टी शादी वगैरह में तो बहुत ज्यादा खुला बूफे वगैरह रहता, कोई नहीं। अब तो थोड़ा थोड़ा डब्बों डाल के जमा चंदन किस मेरे नंदन। तो ये बहुत ज्यादा सही प्रोग्राम है, आप लोग अगर ब्रह्म माने तो फिर आपकी बुकिंग पक्की समझे। पान ले लिया तो हो गया ना, हो गया हो गया सुपारी ले ली तो। लेकिन ऐसे बुकिंग नहीं, आपको ना थोड़ी सी रेसल करनी पड़ेगी। ये तो क्लाइंट है ना बड़ा वो है, रेसल जो पार्टी का थोड़ा सा नखरे जा रहा है, क्योंकि पार्टी चाहती है कि उनके जो परफॉर्मर्स हो वो जो मतलब विशाल वो गरबा पे करे। ओके, इट्स अ गुजराती पार्टी, तो गुजराती पार्टी के लिए आपको जितने आपके गाने हैं उसको गरबा वगैरह में गा के करना पड़ेगा। डांडिया मैं भी लेकर आई हूँ सर। गरबा का पार्टी होता डांडिया, उसमें क्या? हाँ लीजिए, मिक्स सही कर, सही मिक्स कर। एक उल्टा दे रही है, एक उल्टा दे रही है। ये मोटे के साथ मोटा, पतले के साथ पतला होता है सर। तो ये दे रही है जोड़ी, तेरे को कितना बार जोड़ी ये होता है। तो फाइव स्टार ऑर्केस्ट्रा को डेढ़ स्टार बना के रहेगी। हमारी जोड़ी भी ऑड तो है ना सर? ऑड तो है, मानना पड़ेगा। डांडिया जी, अच्छा हमें डांडिया करना है, गाना भी है करना भी है और है वो रखना अब। अरे उनको भी आप माइक कौन से हाथ में पकड़ेंगे फिर? यार डांडिया पकड़ा दियो, माइक कौन से हाथ में पकड़ेंगे? कॉमन सेंस। What is my name? सर, ये कॉमन सेंस भी चीज होती है। हाँ जी, आप होजा है गाना? होजा है क्या? कौन सा गाना होजा है? कोई भी गाना अगेन गरबा डांडिया के स्टाइल में होगा। जोरदार तालियां दोस्तों, विशाल शेखर। वाह बड़ा परफॉर्मेंस। डांडिया भी तूने कच्चा बनाया, डांडिया भी कच्चा, अब तो लड़ना पड़ेगा। नॉनसेक। एक बात बताओ भाई साहब। हाँ जी। ये तो चलो डांस करती है, आप शो में क्या करते हैं? आपको पता नहीं है सर, वो माइम दिखाइए ना अपना, क्या कमाल का माइम करते हैं सर। प्लीज सानू पे लेकर सर, कर रहे हैं सर, दिखाइए ना सर, सर इट्स एन ऑर्डर सर। माइम का आइटम आप लोगों की नजर, फाइव स्टार एक्ट्रेस पेशकश विक्की चड्ढा की तरफ से। दोस्तों माइम सोचने के बारे में होता है। राजा लाइट एंड साउंड से गुजारिश, फिर से लाइटें ऑन कर दें। या माइम का प्रोग्राम म्यूजिक साथ रहेगा, लेकिन एक भी शब्द मेरी जुबान से नहीं आएगा। आप लोगों को लगा बहुत कुछ हो रहा है।